तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो चाइना की एसएससी पाने वाली थी उसे श्रीलंका ने भारत के दबाव में आकर अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि भारत की चिंताओं को विशेष रूप से हम्बनटोटा बंदरगाह पर केंद्रित किया है और उसने भारत की दोस्ती के दृष्टिकोण के साथ ये जो चाइनीज युद्धपोत आ रहा है मतलब रिसर्च सिप आ रहा है इसे वो अनुमति नहीं देगा। तो ये देखिए ये है चाइना का जो अत्याधुनिक युआंग वांग 5 क्लास का जो रिसर्च वेसल था मिसाइल ट्रैकिंग सिप। इसके मना करने के बाद चीन ने जो है श्रीलंका अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक करने की मांग की है। तो क्या मामला आइए देखते हैं। जब देखिए भारत ने कोई सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त की थी और उसने कहा था कि इससे जो है भारत के हितों को खतरा है। कि चीनी अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग अनुसंधान पोत युआंग 5 जो 11-17 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने के लिए निर्धारित किया गया था तो उसके हफ्तों बाद श्रीलंका ने देश के सबसे खराब आर्थिक संकट पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का भी एक राजनीतिक उथल पुथल देखा। तो भारत के दबाव में आकर उसने देखिए उसने चाइना के जो श्रीलंका का विदेश मंत्रालय है उसने यह स्पष्ट नहीं कहा। उसने कहा कि तीसरे व्यक्ति का एक जिक्र किया उसने उसने भारत का डायरेक्टली जिक्र नहीं किया। उसने कहा तीसरे व्यक्ति के कहने पर हमने मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम हम्बनटोटा में जहाँ जो सिप आ रही युआन वांग 5 इसके आगमन को स्थगित करते हैं। तो चाइनीज सिप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ईंधन आपूर्ति और रसद सामग्री कुछ लेने के लिए आ रहा है। ये जो है अफ्रीका के पूर्वी तट जिबूती जहाँ की चीन ने अपना नया सैन्य अड्डा खोला हुआ है सैन्य बेस बनाया हुआ है मिलिट्री बेस वहाँ पे ये जा रहा था हाल ही। और इसके साथ साथ ये जो है श्रीलंका के पोर्ट पर हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकने वाला था। तो देखिए हम्बनटोटा जो पोर्ट है ना वो श्रीलंका के दक्षिणी गहरे समुद्री बंदरगाह पर है जो कि बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि राजपक्षे जो परिवार है जो राजपक्षे परिवार है ना उनका गृह नगर भी है यहाँ पर। ये बड़े पैमाने पर चीनी ऋण के साथ इसे विकसित किया गया है। तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका को सूचित किया था कि जो ये उच्च तकनीकी शोध क्षमता वाला चीनी जहाज है ना इससे भारत के जो राष्ट्रीय हित है उसे खतरा है और भारत की सुरक्षा को भी खतरा है। तो श्रीलंका को भारत ने अपने कड़े संदेश दिए कि ये जो है उपग्रहों और आईसीबीएम को जो है ट्रैक करने की क्षमता रखता है भारत की चिंता थी। साथ ही में भारत ने यह भी कहा कि वह अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी विकास को जो है सावधानी पूर्वक निगरानी करता रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा था कि जो है सरकार भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और तब जो है श्रीलंका की सरकार ने उन्होंने कहा था कि जो है हम भी भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित होने वाले किसी भी जो जो भी कार्य होगा उसके प्रति हम भी अपनी जो है और जो भी आवश्यकता या सहायता होगी उसे हम भारत सरकार को मुहैया करवाएंगे। देखिए समस्या यहाँ यह थी कि ये जो जहाज़ है ना ये ट्रैकिंग सिस्टम मान लीजिए कि श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकेगा ये तो ये कहीं ना कहीं भारतीय प्रतिष्ठानों की जासूसी करने का प्रयास करेगा और ये उसी लिए आ भी रहा होगा। देखिए चाइना के जो राष्ट्रपति है ना वो इसे अपने आप को घर में पैक कर लिए हैं। उनको बहुत डर लग रहा है कि उनके ऊपर कहीं से भी कभी से भी हमला हो सकता है। तो ये भी कहीं मामला है। और दूसरी बात इससे पहले भी भारत ने एक बार 2014 में जब चीन की न्यूक्लियर सबमरीन आ रही थी तो वो भी डॉक करने के लिए मतलब रुकने के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह पर आ रहे थे तो उसके उस समय भी भारत और श्रीलंका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अब यहाँ बात क्या है बात यह है कि जो है श्रीलंका ना चाइना के इन्वेस्टमेंट में बुरी तरह से उलझ गया है उसके ऋण जाल में। तो वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के दबाव में आकर ऐसी अनुमति मतलब ऐसा निर्णय लेना पड़ता है उसे। अब वो यह भी देखता है कि जो भारतीय द्वारा उसे अब तक जो है 1947 से लेकर 48 से लेकर अब तक भारत ने लगभग $4 बिलियन की आर्थिक सहायता श्रीलंका को दी हुई है।
देखिए, जहाँ चाइना ने अभी हाल के वर्षों में ही पिछले 15 से 20 वर्षों में जो भी हो उसने तेज़ी से डेवलपमेंट किया है श्रीलंका में, उससे पहले भी भारत श्रीलंका की जो आर्थिक सहायता कर रहा है। भारत ने अभी हाल ही में उसे रसोई गैस और खाद्य सामग्री, सब्जियां, इन सभी चीज़ों को पहुंचाने की भी जो है प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है वो। इससे पूर्व भी उसने कुछ अभी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो भारत ने कहा है कि वह जो ये द्वीपीय राष्ट्र है ना, उसकी सहायता करता रहेगा और वहाँ के लोगों को का समर्थन करना जारी रखेगा। तो चलिए, कम से कम श्रीलंका ने मना किया है। फिलहाल अभी वो इस पर कोई बयान नहीं दिया है कि वो जो ये युद्ध पोत आ रहा है चीन का, मतलब रिसर्च वेसल आ रहा है, वो इसे रुकने देगा या पूर्णतया स्थगित कर देगा। इस बारे में अभी तक वहाँ के जो मंत्रालय हैं उन्होंने कोई कोई भी समाचार नहीं दिया हुआ है। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है।